शादियों का सीजन इस समय शुरू है, कहीं लव मैरिज हो रही है तो कहीं परिवार की रजामंदी से अरेंज मैरिज भी हो रही है। लव मैरिज कपल्स के घर छोड़ के भाग जाने की भी खबरें आ रही हैं, इस तरीके से भी शादी हो रही है। और कोविड काल चल रहा है और कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए भी शादियां हो रही हैं। कई तरह की शादियां आप इन दिनों सुन रहे हैं, लेकिन मैं जिस शादी की बात करने जा रही हूँ उसको लेवेंडर मैरिज कहते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और एक गुजारिश भी करती हूं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक नए सब्जेक्ट की बात करेगी मेरी वीडियो। और लवेंडर मैरिज की बात मैं क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। दरअसल होमोसेक्सुअल मैरिज से मिलती जुलती ही ये मैरिज है। होमोसेक्सुअल में दोनों का सेक्स एक होता है, लड़का या लड़का, लड़की या लड़की, लेकिन इसमें ये कुछ मिक्स टाइप की शादी है। इसमें दोनों में से अगर लड़का है तो वो लड़के को पसंद करता है, लड़की है तो वो लड़की को पसंद करती है, और इस तरीके से इनकी शादी होती है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको सीधे शब्दों में बताती हूँ कि समाज के फर्जी चुलचुलों से बचने के लिए जब गे लड़का और लेस्बियन लड़की आपस में शादी कर लेते हैं तो उसको लेवेंडर मैरिज कहते हैं। बधाई दो इसी कंसेप्ट के बारे में बात करती है बधाई दो फिल्म, जल्द ही रिलीज होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसकी चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ इसकी भी वजह मैं आपको बताती हूँ। आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो के बाद अब आ रही है बधाई दो। बधाई हो, आप कंफ्यूज मत होइए, बधाई हो और बधाई दो, मैं बात कर रही हूँ बधाई दो की। इस फिल्म में आयुष्मान को रिप्लेस किया है राजकुमार राव ने, और साथ में है उनके भूमि पेडनेकर, काफ़ी अहम भूमिका में है। फिल्म का जो प्लॉट है वो शादी के ऊपर आधारित है। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आपको इस फिल्म में लवेंडर मैरिज देखने को मिलेगी। शादी की फिल्म की कहानी भी आप जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं। देहरादून में शार्दुल ठाकुर नाम का एक पुलिस वाला है, वो पिछले 4 सालों से सुमन नाम की एक लड़की से शादी करने की जिद करके बैठा हुआ है, और सुमन है कि उसकी बात सुन नहीं रही है। वो स्कूल में पीटी टीचर है, 31 साल की इसकी उम्र है। ये उम्र का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि भारतीय परिवारों में इस उम्र तक लड़कियों की शादी हो जाती है। उम्र का जिक्र इसलिए भी मैं कर रही हूँ क्योंकि सुमन की शादी को बहुत देर हो चुकी है। खैर, शार्दुल के लाख मनाने के बाद भी सुमन शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी लड़कियों में है। वो दरअसल लेस्बियन है, और शार्दुल भी समलैंगिक है। वो सुमन को अपने साथ लवेंडर मैरिज के लिए मना लेता है, शादी हो जाती है, मगर पंगा यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके बाद शुरू होता है। इनके घर वाले इनका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि अब उन्हें बच्चा चाहिए, और ये कहानी घर वालों का अब क्या होगा इसी पे घूमती रहती है। शार्दुल और सुमन की सेक्सुअल प्रेफरेंस और शादी में जो फर्जीवाड़ा है उसका पता चल जाएगा, उसके बाद क्या हंगामा होगा ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा। इस सीरीज़ की पहली फिल्म जिसमें मैंने बात की थी बधाई हो, आप कंफ्यूज ना हो फिर से, बधाई हो, जहाँ एक मिड एज प्रेगनेंसी की बात की गई थी, तो इस फिल्म में गे और लेस्बियन की रिलेशनशिप की बात की गई है। इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। हालांकि इससे पहले शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी फिल्म में समलैंगिकता पे बात हो चुकी है। आयुष्मान खुराना स्टारर उस फिल्म में एक रेलिवेंट टॉपिक पे बात हुई थी, मगर फिल्म के तौर पे वो मामला कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड हो गया था। ये फिल्म राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की फिल्मोग्राफी में सबसे ज़्यादा बुनियादी फ़र्क बताती है। आयुष्मान ने एक के बाद एक टैबू इश्यूज से जुड़े मामलों पे फिल्में करके एक टेम्पलेट बना दिया था, जो कि एक समय के बाद कुछ बोरिंग लगने लगा, कुछ रेपिटेटिव लगने लगा। वहीं राजकुमार राव अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करते रहे। उन्होंने स्त्री, हम दो, हमारे दो और बधाई दो जैसी फिल्मों के बीच, जजमेंटल है क्या, द वाइट टाइगर और छलांग जैसी फिल्मों में भी काम किया।
इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें अब भी बधाई दो टाइप की फिल्मों में देखकर नया नया फील होता है। बहरहाल बधाई दो की ट्रेलर में मुझे जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे एक चीज़ गड़बड़ लगी। मुझे उस ट्रेलर को देख करके पूरी फिल्म समझ में आ गई, यानी कि ट्रेलर में कुछ सस्पेंस छोड़ दिया जाता है, लेकिन मेकर्स ने ट्रेलर में ही पूरा फिल्म का प्लॉट ओपन कर दिया है। आप जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है, तो बधाई दो में राजकुमार राव शार्दुल ठाकुर का रोल निभा रहे हैं, जो एक पुलिस वाला है, और इंडियन टीम में क्रिकेटर भी है जिनका नाम भी शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल को उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। सुमन सिंह के किरदार में दिख रही हैं भूमि पेडनेकर। ये वो पहली फिल्म है जिसमें राजकुमार राव और भूमि दोनों साथ साथ आएंगे। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में शिवा चड्ढा, लवलीन मिश्रा और चम दराग जैसे एक्टर भी काम कर रहे हैं। बधाई दो का डायरेक्ट किया है हर्षवर्धन कुलकर्णी ने। हालांकि हर्षवर्धन पेशे से इंजीनियर हैं, मगर उन्होंने इंजीनियरिंग के दौरान नाटक लिखने के अलावा कुछ नहीं किया, और जब उन्होंने एक प्रॉपर फिल्म लाइन के करियर की शुरुआत की तो उन्होंने सोनी टीवी पर आने वाले हॉरर शो आहट की स्क्रिप्ट लिखी। इसके बाद उन्हें लगा कि कुछ कर लेना चाहिए, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लेना चाहिए, तो उन्होंने एडिटिंग का कोर्स किया और हंसी तो फंसी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। हर्षवर्धन के डायरेक्शन करियर की शुरुआत 2015 में हुई हंटर से। इस फिल्म को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और अब वो आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं बधाई दो। बधाई दो की शूटिंग 5 जनवरी 2021 को देहरादून में शुरू हुई थी और 6 मार्च को 2021 में ख़त्म हो गई। पहले ये अनाउंस किया गया था कि बधाई दो को 4 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा, मगर 25 जनवरी को जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसमें ये बताया गया कि ये फिल्म 11 फरवरी को सिनेमाघरों में देखी जा सकती है। अब एक और इशू है इसके साथ, तब तक क्या हालात होते हैं कोविड के और ओमिक्रॉन के, उस पर डिपेंड करता है कि ये सिनेमाघरों में किस तरीके से रिलीज़ की जाएगी। अदरवाइज़ OTT प्लेटफॉर्म तो सभी फिल्मों के लिए है ही। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड काल चल रहा है, आप अपने आप को कोविड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग घर से बाहर जब भी हो निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें। फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।